हमारे यहाँ मुबारकबाद देने मोछवारा शोपियाँ के लोग हमारे नए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मोहम्मद यूसुफ भट्ट साहब को मुबारकबाद देने आए थे। मोछवारा के लोगों ने हमें भी दावत दी। मैं यहाँ साउथ कश्मीर का इंचार्ज हूँ, उस लिहाज से मुझे आना भी था। अब जब खुशी का मुकाम होता है तो खुशी के मुकाम के टाइम सबको शिरकत करनी चाहिए, और हमने भी शिरकत की इस प्रोग्राम में। और हम ये उम्मीद करते हैं कि मोहम्मद यूसुफ भट्ट अपनी ज़िम्मेदारी को सीरियस लेते हुए इसको समझेंगे, और जो पार्टी का मंशूर है वो लोगों तक पहुंचाएंगे, डेवलपमेंट का मंशूर है वो लोगों तक पहुंचाएंगे बड़ी ईमानदारी के साथ। हाँ, पीएचडी है, दो खानदानों का मिलाप था वो भी टूट गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हर जगह अपने जो इंचार्जेस है वो नामजद किए हैं, कहीं पीएचडी कहीं था नहीं, दिख नहीं रहा, वो सारा टूट फूट चुका। और जहाँ तक डेवलपमेंट है, भारतीय जनता पार्टी का बेसिक एजेंडा है डेवलपमेंट। आपने देखा ना, तीनों पैटर्न के जरिए हमने कश्मीर में किस तरह से डेवलपमेंट की, और डेवलपमेंट के नाम पर ही हमने इलेक्शन जो लड़े हैं, वो चाहे गुजरात हो चाहे हिमाचल ही, जिनकी मुझे लगता है कल हमें खुशखबरी मिलने वाली, और वहाँ जो लैंडस्लाइड विक्ट्री है कल इंशाल्लाह वो भी मिल जाएगी। अब जो दीगर पॉलिटिकल पार्टीज है डरी हुई है भारतीय जनता पार्टी की पॉपुलरिटी से, और ये जरूरी है। खानदानी जो पार्टी है जहां ये ट्रांसफर होता है बाप बेटा, बाप बेटी, या जिस तरह आपने देखा है कि जिस तरह बॉलीवुड में लॉन्चिंग की जाती है, पहले अमिताभ, उसके बाद अभिषेक, महेश भट्ट, पूजा भट्ट, आलिया भट्ट, लॉन्चिंग होती है। भारतीय जनता पार्टी में लॉन्चिंग नहीं होती है, यहां जमीन से जो ग्रास रूट लेवल का वर्कर है था उसको उठाया जाता है उसकी काम के बेस पर, जिस तरह आज आपने शुपियन में देखा। और हम डंके की चोट पर कहते हैं और बड़े एतमाद के साथ कहते हैं, इस बार 50 पार भारतीय जनता पार्टी को जो नारा है वो 60 से पार हो जाएगा। अगर बात करेंगे साउथ कश्मीर के हवाले से, क्योंकि साउथ कश्मीर माना जाता है पीडीपी का गढ़ या नेशनल कॉन्फ्रेंस का, आपका सर एक्शन जो है टफ है, एक तो किसके हवाले एक, से एक हक खान साहब रह गए थे पीडीपी में, वो भी चले गए, कहाँ है पीडीपी, पीडीपी तो दिख नहीं रही कहीं, हक खान साहब भी चले गए, इसलिए पीडीपी को वो एक एनजीओ की तरह रह गई है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट में उनकी कोई हिस्सेदार नहीं, इसलिए एनजीओ को उनको अपनी काम कर देने, एनजीओ को पॉलिटिकल पार्टी के साथ मत जोड़िए। बारिश हो या बर्फ, आंधी हो या तूफान, अब पावर बैकअप के लिए नहीं होना परेशान। हनीफ मोटर्स के पास आए हैं एलिमैक्स पावर बैकअप जनरेटर्स। खरीदने के लिए विजिट करें हनीफ मोटर्स एम ए रोड श्रीनगर, या डायल करें 6006750045 या 9419011444।